सब्सक्राइब करें फार्मा माइंड यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 20 एचपी और 25 एचपी की मोटर कहां पर ज़्यादा यूज होती है या पर कहां पर यूज करनी चाहिए। अगर हम मोटर लगवा रहे हैं, क्या हम 20 एचपी की मोटर लगाएं ज़्यादा पानी के लिए या 25 एचपी की मोटर लगाएं ज़्यादा पानी के लिए? क्योंकि 15 एचपी की मोटर अगर जिन्होंने देखी है, V8 मॉडल जो आता है काफ़ी अच्छा पानी देती है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया 1 घंटा प्रति बीघा निकाल देता है। अगर 20 एचपी 25 एचपी कहाँ यूज होते हैं? दोस्तों 20 एचपी 25 एचपी मोटर वहाँ यूज होती है जहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा दूर की होगी, जैसे कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर भी, जहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन की बोर यहाँ करवाए और 7 किलोमीटर दूर पानी लेकर जाना है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए, तो वहाँ पर लोग यूज करते हैं 20 एचपी 25 एचपी मोटर। और एक बात ये और बता देता हूँ कि लोग इतना दूर पानी क्यों लेकर जाएंगे, इसका मेन कारण होता है पानी मीठा खारा। दोस्तों हर जगह पानी मीठा नहीं होता, कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी मीठा है, जैसे नहरों के पास या कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ खेत ऐसे हैं कि यहाँ पर मीठा पानी, और मैं अपने दूसरे खेत में पानी ले जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं 7-7 किलोमीटर तो भी दूर ले जाते हैं, क्योंकि खारा पानी ज़मीन को नुकसान करता है, मीठा बहुत ना के बराबर करता है। दोस्तों अब बात करते हैं 20 से 25 HP में दिक्कत कहाँ आती है। 15 HP में अंडरग्राउंड पाइपलाइन में दिक्कत वहाँ आती है कि जहाँ पर हम खुला पानी चलाते हैं, जहाँ पर बोर करें वहीं से पानी चलाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया पानी मिलता है। अगर हम वहाँ पर 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी कर देते हैं तब थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। अगर उस जगह हम 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइपलाइन कर दें तो पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि पीछे मोटर पर लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ने से एम्पियर बढ़ जाता है, एम्पियर बढ़ने से लाइट का बिल ज़्यादा आता है और पानी कम मिलता है, सबसे मेन कारण है। वहीं पर 20 से 25 HP मोटर क्या होती है, 20 HP या 25 HP दोनों बेस्ट है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़्यादा दूरी है तो 25 ले लीजिए, 2 से 3 किलोमीटर तो 20 HP लिए। 20 HP में क्या होता है कि पास में तो पानी अच्छा देती ही देती है, पर दूर जाने पर भी पानी कम नहीं होने देती, ये सबसे मेन कारण होता है बड़ी मोटर्स का, 20 से 25 HP मोटर, क्योंकि वो आगे पूरी दाब से पानी जाता है और इतना अंदर पानी अंडरग्राउंड लेकर जाना बड़ी मोटर का ही काम होता है। छोटी मोटर क्या होते हैं कि 10 HP अगर आप यूज करते हैं V8 मोटर, तो पास में पानी अच्छा मिलेगा, दूर में पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि सबसे मेन कारण है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बड़ी मोटर लगवा सकते हैं अंडरग्राउंड पाइप में, नहीं तो खुले पानी में 15 HP मोटर बेस्ट है, V8 मोटर। दोस्तों मॉडल की और बात बताता हूँ कि कोई भी मोटर खरीदे बढ़िया पानी के लिए, बढ़िया पानी वोल्टेज की अगर आपके एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज कम से कम भाई 400 के आसपास रहे, 400 से थोड़ी चलो कम भी है कोई दिक्कत नहीं, तो आप V8 मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में वोल्टेज रहती है बहुत ज़्यादा डाउन, तो भैया V6 ही खरीदिए, गलती मत कीजिए, V6 मोटर खरीद के V8 पंप लगा सकते हैं। बाकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो बात करते कुछ नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बता दिया 20 से 25 HP मोटर का यूज़ करते हैं। और एक बात और मेन, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है या कुछ और पूछना चाहते हैं अपनी मोटर के संबंध में कि हम कितने एचपी की मोटर लगाएं, हमारी इतनी दूरी है या फिर हमारी इतनी गहराई है, कहां पर कौन सी मोटर यूज़ करनी है, अगर आप सही मोटर यूज़ करेंगे अपने बोरवेल में तो आपको पानी ज़्यादा मिलेगा, स्टेज सही, स्टेज का पंप, मतलब अगर कुछ भी पूछना हो आपको तो कमेंट करें। मैं आपको पूरा एक बात विशेष ध्यान रखिए, कमेंट पूरा कीजिएगा कि कितनी गहराई आगे हमें पानी खुला ही चलाना है फिर अंडरग्राउंड पाइप में, पूरा कमेंट करें तो मैं क्या आपको उसी कमेंट में रिप्लाई कर दो। कई लोग करते क्या छोटा शॉर्ट में पूछ रहे थे कितने अच्छी मोटर लगाएं, मतलब कुछ बताइए सर गहराई कितनी है क्या कुछ है, तो मैं आपको सीधा रिप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो फिर क्या पहले पूछना पड़ता है आपको, फिर आप वापस रिप्लाई करते हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम लंबा काम हो जाता है। तो इसलिए कहता हूँ प्लीज़ कमेंट पूरा बढ़िया से करें, भी पूरा लिखिए कि आपको क्या समस्या है, मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो भी बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।